एक ऐसा शेयर जो लोगों को करोड़पति बना दिया। हाँ दोस्तों, करोड़पति बना दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट कितना का, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। आप 9K या 10K लेके बस आप जाओ मार्केट में और आपको लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। 10 करोड़ से ज़्यादा, ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पावर। और वो स्टॉक का दाम फिर से आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो क्या इस मौके को हमें अपने हाथ से जाने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों वो स्टॉक के बारे में डिस्कसिंग करेंगे कि इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कौन सा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि केवल 9,000 या 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके क्या हम करोड़ों रुपए सच में बना सकते हैं शेयर मार्केट में? तो ये लीजिए, मैं आपके सामने रिटर्न भी ला दिया कि वो स्टॉक 10 सालों के अंदर कितना बड़ा रिटर्न दे चुका है। लगभग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 1,000 में है, ठीक है, एक ठीक है 100 में नहीं है दोस्तों, 1,000 में है, तो 8,900 के आसपास है। हम इसको दोस्तों 9,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 9,000 के आसपास इसने रिटर्न दिया है। देख लीजिए इतना बड़ा रिटर्न 10 साल के अंदर। अगर यही रिटर्न दोस्तों आप अगर 15 साल का निकाल लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपनी का रिटर्न से। कंपनी ने बहुत बड़े बड़े रिटर्न दिए हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कंपनी ने तो यहाँ पर लॉस भी दिए हैं, यहाँ पर ऊपर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने लॉस दिया। नहीं भाई साहब, ये लॉस नहीं है। क्या ये 30% का लॉस लॉस होता है? ये 30% का लॉस लॉस होता है? ये 40% का लॉस लॉस होता है? तो यस बैंक ने लोगों का 98% वो भी नुकसान दिया है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको लगभग, मुझे लगता है कि 50% के आसपास जो है वो लॉस दे चुका है। तो क्या हमें उस कंपनी को खरीदना चाहिए जिन्होंने लोगों को डुबाया? और ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिन्होंने लोगों को करोड़पति बनाया, और करोड़पति बनाने के बाद थोड़ा सा डाउन आया है और कुछ भी नहीं। सोचिए इतना बड़ा रिटर्न के सामने दोस्तों, ये 40% क्या है? अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो आपके हाथ से कितना जाता? केवल 34,000 रुपीज़ आपके हाथ से जाता। लेकिन आपने केवल 10,000 रुपये यहाँ पर लगाया होता, तो आप करोड़पति बन चुके होते, ठीक है। तो स्टॉक का सबसे पहले मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखते हैं करंट असेट। कंपनी का करंट असेट में क्या मामला चल रहा है भाई? 2018 का है ये, और ये है 2019, मतलब ये जो रो है 2018 का, ये जो रो है 2019 का, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि 2018 से 2019 में कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपनी कितना आगे जा चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट असेट भाई साहब, करंट असेट यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट असेट के मामले में कंपनी 131.87% ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? ग्रोथ हुआ है, कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया। तो दोस्तों करंट असेट काफी ज्यादा अच्छा, यहां पर देख सकते हो 4000 के आसपास ही है, यहाँ पर 2018 में 4000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों 2019 में कंपनी ने क्या किया दोस्तों? 4000 से यहाँ पर देख सकते हो 10,000 चला गया, 10,000 चला गया। तभी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 131% ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे कंपनी को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भाई सोच लीजिए आपके हाथ से एक मौका तो निकल गया, वैसे भी मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी करंट असेट जुटाने वाली कंपनी बहुत कम मिलेगी, आप ढूंढ लो भाई, नहीं मिलेगा मैं बोल सकता हूँ, और मिलेगी भी तो बहुत कम, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं भाई, ये कंपनी का फिक्स असेट कितना है। फिक्स असेट, कल को अगर कंपनी को कुछ हो जाता है तो कंपनी अपने आप को बचाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कैसे रखता है? कहीं कल को ये ना हो जाए कि येस बैंक अगर डूब गया है तो फंड रेजिंग करते करते 5 साल हो जाए, और उसके बाद उसका शेयर का प्राइस 5 रुपये में आ जाए, और फिर लोग, फिर गवर्नमेंट को आके उसका मदद करना पड़े। ऐसा नहीं, अपने दम पे और किसी और के दम पे खड़ा रहना फर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम फिक्स असेट देख लेते हैं तो दोस्तों 47.76% का ग्रोथ है, ठीक है। उसमें अगर देख लेते हैं अदर लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी, देखिए कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पकड़ लोगे ना तो कंपनी का फंडामेंटल चीज़ आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये अदर लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, बोरिंग्स क्या होता है, फिक्स असेट क्या होता है, करंट असेट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट में ढूंढो, सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं, अगर आप मान लीजिए कि इसको छोड़ छोड़ के भागते रहोगे, कितना भागोगे?
भागोगे, कितना भागोगे, क्या हमारे जो पृथ्वी है यहाँ से आप बाहर चले जाओगे, फिर भी ये सवाल आपके सामने आएगा ये क्या है। तो ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आपको सीखना है, इंटरनेट में ढूंढना है, अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, आप कॉमेंट कर सकते हो। लेकिन इसीलिए मैं आपको बैलेंस शीट, आपने कहीं पर सुना जरूर होगा, आपके फ्रेंड या कोई बताते हैं कि भाई कंपनी का बैलेंस शीट देख लो, चाहे जो भी है एनुअल रिपोर्ट देख लो, आपको ये सब देखना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर मैं फाइनली आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ, तो कंपनी के पास इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही है, आपको तो लेना ही लेना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक मूवी देखा होगा, ठीक है, उस मूवी का नाम था दोस्तों मांझी। ठीक है, मांझी मैं बोल रहा हूँ, उस मूवी में दिखाया गया था कि एक इंसान ने पहाड़ को तोड़ दिया था, बिहार में है वो, ठीक है, बिहार में उसी तरह गया के आसपास है दोस्तों, एक इंसान ने पहाड़ को तोड़ दिया था। क्या ये झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच है। ठीक है, बिल्कुल सच है। तो आप सोचेंगे कि शेयर मार्केट में पहाड़ कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ तोड़ना है? मैं बोल रहा हूँ, पहाड़ वहाँ पर है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, उसको समझने का कोशिश करना है। अब हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, सॉरी एनुअल रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, एनुअल रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों एनुअल रिजल्ट देखने से ही काम नहीं चलेगा, एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ उस इंसान ने पहाड़ को तोड़ दिया था अपना रास्ता बनाने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसके अंदर कितना पावर होगा। उसी तरह आप एनुअल रिजल्ट के साथ आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा कंपनी का, तो मैं बोल रहा हूँ उतना पावर आपके पास भी हो जाएगा। जब आप कंपनी खरीदोगे ना, तो आपको वो फील होगा, नहीं मुझे अभी रिटर्न मिल गया, आपको ऐसा फील होगा कि जो रिटर्न आपको 10 साल बाद मिलने वाला है वो रिटर्न आपको आज मिलेगा। फीलिंग दोस्तों, फीलिंग एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, और इमेजिनेशन, तो मैं बोल रहा हूँ आपको एनुअल रिपोर्ट कंपलसरी, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले अगर आपने एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ा तो इतना याद रखेगा, आपको डूबने से भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई भी भगवान आपको नहीं बचा सकते, चाहे आप जिनको भी मानते हो भाई, ये तो आपको 100% गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना है, कितना परसेंट, 100% आपको पढ़ना है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो 0/0, काम खत्म। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर कंपनी का नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट, मान लीजिए कि आपने पोल्ट्री फार्म का एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और अभी के डेट में देख सकते हो दोस्तों पोल्ट्री फार्म वालों का क्या हालत ख़राब है। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है दोस्तों, कोई भी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, क्या प्रोडक्ट उनका कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, तो जब तक सेल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? समझ में आया? अब कुछ समझ में आया? जिस कंपनी में सेल है उस कंपनी में प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ तक कि दोस्तों जेक मार्क ने, ठीक है, चाइना के जेक मार्क बहुत अमीर आदमी है, वो उन्होंने बताया है कि मुझे कुछ नहीं आता सिवाय सेलिंग के, चाहे वो मुझे कुछ भी बेच के कमाना हो मैं बेचूंगा, और अगर नहीं बिक रहा है तो मैं उसको बेचने का तरीका निकालूंगा। क्या करता है एक प्रोफेशनल, एक CA, एक CEO, एक दोस्तों कंपनी का मैनेजर, क्या करता है वो अपनी स्किल है, जो आर्ट है, वो उनको बेचते हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, ये जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, ये क्या करते हैं, अपने आर्ट को, अपने कला को क्या करते हैं, बेचते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अपने अपने फॉर्म वो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि इस कंपनी का क्या सेल में ग्रोथ हो रहा है। अगर सेल्स में ग्रोथ हो रहा है तो भाई कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने प्रोडक्ट गोडाउन में ला के रखा है और बहुत जल्दी सेल हो रहा है तो आपको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स में देख लेते हैं, तो भाई सबसे पहले तो 2018 को देखेंगे, ठीक है, फिर जाकर 2019 में देखेंगे कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 12,700 के आसपास था, कब था भाई, मार्च में था। ठीक है, मार्च में, अगर हम 2019 में देखते हैं, 2018 में, तो दोस्तों 18,400 हो गया, ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। ठीक है, एक साल के अंदर ये दोस्तों इंप्रूवमेंट लाना, वो भी 45%, मतलब समझ रहे हो ना, अराउंड 50% के आसपास, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट किया हो तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब जो बिज़नेस स्टार्ट किए हैं जीवन वहाँ ही ख़त्म कर देते हैं, और कभी उनको बढ़ाने के लिए नहीं सोचते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आपको, स्केल अप करना है, कभी नहीं सोचते हैं। तो उसी तरह ये कंपनी क्या हो रही है दोस्तों, आपको 50% के हिसाब से ये बढ़ रही है। तो सोचिए हर एक साल अगर 50% बढ़ता है तो 10-12 साल में आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये 60% बढ़ा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का मतलब आपको, मतलब ईयर ऑन ईयर हर एक साल आपको 60% का रिटर्न तो मिल जाएगा भाई, 60% का रिटर्न तो आपको मिल जाएगा हर एक साल में। सोचिए हर एक साल में आपको 60% रिटर्न तो मिल जाएगा, तो ये वो कंपनी है दोस्तों जो आपको करोड़पति बना के छोड़ेगी, और नहीं सॉरी
ये कंपनी का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस। दोस्तों इस कंपनी ने लोगों को करोड़पति बना दिया, मैंने आपको दिखाया 9000% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है, और बोनस एक बार दिया, स्टॉक स्प्लिट दो बार हुआ है दोस्तों, उसके बाद एक और चीज़ है वो भी दिया, डिविडेंड तो भर भर के देता ही था। और ये दोस्तों आज से 10 साल पहले ये कंपनी का जो प्राइस था, वैल्यूएशन था, उस हिसाब से अगर आज के डेट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको केवल, देखो मैं सब कुछ कैलकुलेट करके मैं यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको केवल 9300 रुपये लगाना था और आप 11 करोड़ के मालिक बन जाते, 11 करोड़ के मालिक बन जाते दोस्तों, इतना बड़ा रकम। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। और बेशक आपने इनको आप इनको पहचानते हो, इनका नाम है आप देख सकते हो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ये अरबपति हैं। और ये अरबपति कैसे बने, मार्केट से, शेयर मार्केट से। इन्होंने बहुत अच्छी और लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी ये ज़्यादा ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट के पढ़ते थे, ठीक है। और ये जो है दोस्तों विजय खेड़िया, इन्हीं से मैं आपको मिलाना चाहता था, ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जो 1000 करोड़ का मालिक हैं, मतलब बहुत ईजिली आराम से। तो इन्होंने भी अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट किया था, और जो स्टॉक मैं आपको बताया था ये सारे स्टॉक इनके रेडार पे हैं, और ये स्टॉक पे पहले से ही खरीदारी कर रहे हैं। और जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों बजाज फाइनेंस, वो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कम से कम तो भाई 40% वो स्टॉक टूट चुका है, 40% वो टूट चुका है, तो 40% डिस्काउंट के आसपास वो मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक पर आपको खरीदना है, मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा रिटर्न देने वाला स्टॉक दोस्तों दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है। ये रिटर्न इतना बड़ा आप सोच सकते हो, 10 सालों में आपको बैंक कितना देगा, केवल 100% के आसपास देगा, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न दिया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये कंपनी को आपको क्या करना है, खरीदना है भाई, खरीदना है, आपको प्रॉफिट तो ज़रूर देगा। आप किसी भी साइड से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, स्टॉक तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, चारों तरफ से देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको सब कुछ देखिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जो भी है एनुअल रिजल्ट देखिए, लेकिन आपको खरीदना जरूर है, प्रॉफिट भाई आपको मिलेगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार मैं और बोल देना चाहता हूँ, जो भी खरीदना है भाई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदो, ठीक है। 2 या 4 दिनों में आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये स्टॉक ने 2-4 दिनों में कुछ नहीं दिया, लेकिन 10 सालों में दोस्तों एक महल बना के दे दिया, ठीक है। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा से अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस मैं आपको खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से ये स्टॉक का प्राइस जो है 40% टूट चुका है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा बहुत और जो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले, तो ये रीज़न है दोस्तों हमारे पास कि ये वायरस की वजह से, ये सिचुएशन की वजह से ये स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो ये टाइम पर आपको खरीदना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, एक बार और, जैसे ही कोरोना वायरस का इफेक्ट खत्म होगा और लोग अच्छे से चलने लगेंगे, फिरने लगेंगे, तो आपको स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी दिखेगा, ठीक है। वेट कीजिए, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, और पैसा तो आपको जरूर मिलेगा।